नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है पुर भाग एक। हमारे वेदों में पर पुर परा का जिक्र है। आज का विषय हमारा पुर है। ये पुर क्या होता है? जैसे किसी गांव के नाम के पीछे पुर जोड़ने से का सिलसिला पहले से ही है। जैसे कौरवों और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, हस्तिना नाम है, पुर जोड़ा गया है। वैसे राम नाम है, पुर जोड़ा गया है, वैसे रामपुर। ऐसे ही रामपुर, धामपुर, रायपुर, टनकपुर, रुद्रपुर, ऐसे ही बहुत गांव शहर के नाम के अंत में पुर जोड़ने की प्रथा पहले से ही चली आ रही है। तो चले शुरू करें। ये पुर क्या है? यह शरीर पुर कहलाता है। पुर तीन प्रकार का होता है, आत्ममय, दैवतमय, भूतमय। इन तीनों आधारों में भीतर प्रविष्ट होने वाला प्राण पुरुष कहलाता है। क्षर अक्षर अव्यय तीन प्रकार का होता है। समस्त विकार क्षर पुरुषों के आधार पर ही सत्तावान है। जैसे मृत्तिका में घट की स्थिति है, स्वयंभू का ब्रह्मा तपः लोक में ही अपना स्वरूप ग्रहण करता हुआ परमेष्टि लोक तक पहुंचता है। यह बिंदु ही अव्यय पुरुष कहलाता है। स्पंदनों से इसका निर्माण हुआ है। यही बिंदु स्पंदनों द्वारा स्वरूप बदलता हुआ आगे बढ़ता है, अक्षर क्षर और स्थूल भाव तक पहुंचता है। सृष्टि में प्रथम वाक रूप अव्यय पुरुष ही बनता है। विष्णु की नाभि से सर्वप्रथम ब्रह्मा पैदा हुए। ये प्राण रूप थे। इन्हीं के मन में इच्छा पैदा हुई। एकोहम बहुश्याम, ब्रह्मा और माया दोनों ही यहाँ सीमित हो जाते हैं। माया यहाँ कला, विद्या, राग, नियति और काल रूप में परिणित हो जाती है। यही ब्रह्मा का प्रथम आवरण कहा जाता है। कला से सीमित आदान प्रदान, विद्या से कर्म की विवेचना, राग से आसक्ति, कला से समय गणना और नियति से कार्यभाव की सुदृढ़ता तय होती है। आत्मा षोड़श पुरुष होता है। पराविद्या इसमें इसी से संबंध रखती है। अपराविद्या या शब्द ब्रह्मा में अव्यय अक्षर क्षर को ही स्फोट अक्षर और वर्ण कहते हैं। अक्षर तथा वर्ण ही स्वर तथा व्यंजन है। सृष्टि का विकास मूलतः इन्हीं दो धाराओं में होता है, अर्थ सृष्टि और शब्द सृष्टि। अतः एक धारा के ज्ञान से दूसरी धारा का ज्ञान सहजता से हो जाता है। दोनों ही सृष्टियां परमेष्टि से ही शुरू होती है। एक ही तत्व का 16 स्वरूपों में बदलने का कार्य माया द्वारा होता है। तीन प्रकार के योग द्वारा योग बंध विभूति, जहां ब्रह्मा की प्रधानता होती है उसे विभूति ससर्ग कहते हैं। कर्म की प्रधानता होने पर बंध होता है। दोनों की समता के योग कहते हैं। जहाँ दो के संयोग से तीसरा नया पैदा हो और पुराने दोनों न रहे, वही बंद है। जल और वायु के संयोग से फैन बनता है, न जल न वायु। तृण खाने से गाय के शरीर में दूध बनता है, यही विभूति ससरंग है। रस की तरह बल के भी तीन उदार समवाय तथा आसक्ति ससरंग होते हैं, अर्थात एक अमृत दूसरा मृत्यु रूप होता है। यही एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ब्रह्मा के साथ जुड़ते ही बल में असाधारणता आ जाती है। वायु के भिन्न भिन्न गति भाव के बाद भी आकाश तो निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न भिन्न विद्याओं में भोक्ता बनता है। जो भोग्य पदार्थ आत्मा के लिए उपलब्ध होते हैं, वे वृत्तिता सत्संग से होते हैं। तीनों वृत्तिता सत्संग कर्म संबंध आत्मा में कर्म रूप माया के कारण प्रवृत्त होते हैं। शरीर में हृदय आत्मा की प्रधानता पीठ है। पिछले जन्म के अनुभवों को समझने का राजमार्ग है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्रियाकलापों के प्रयोगशाला है। जीवन के सारे अनुभव यहाँ से गुजरते हैं, मिश्रित होते हैं और अलग अलग धरातलों पर विपरीत किए जाते हैं। वैसे तो मन का स्थान भी हृदय ही होता है, किंतु दोनों संस्थाएं भिन्न भिन्न है। हृदय शब्द में तीन अक्षर हैं, ह हृदय।
हिर यानी आहरण करने वाला, द यानी खंडन करने वाला, य है नियमन करने वाला। अर्थात जो शक्ति वस्तु का संग्रह करती है लेती है वह है हिर। जो शक्ति आए हुए पदार्थों का विसर्जन करती है फेंकती रहती है वह है द है। जिस नियामक शक्ति के आधार पर यह आदान विसर्ग क्रिया प्रकांत रहती है वह यम है। वेद में विसर्ग शक्ति के लिए प्राणन तथा आहरण शक्ति के लिए अपानन शब्द आए हैं। जाना प्राणन आना अपानन दोनों का जिस मूल बिंदु पर नियमन है वही व्यानन है। केंद्र में उफान रूप ब्रह्मा का कार्य, आगति में विष्णु प्राण और गति में इंद्र प्राण का कार्य प्रमुख होता है। हृदय अक्षर संस्था होने के कारण सूक्ष्म और कारण शरीर से भी जुड़ा रहता है, बुद्धि और मन से ही जुड़ा होता है। दृश्य अदृश्य जगत की गतिविधियों से भी इसका संबंध रहता है। हृदय अनाहतक चक्र का स्थान होने से ऊर्जा का भी स्रोत है। हृदय बाहर से ऊर्जा लेता है और शरीर में विसर्जित करता है। व्यक्ति का चित्त उसके कार्यों के दौरान भिन्न भिन्न धरातलों पर जाता है। शारीरिक बौद्धिक मानसिक आदि दैविक आदि धरातलों पर हर स्तर पर ऊर्जाओं का स्वरूप भी भिन्न होता है। ऊर्जा के इस परिवर्तन और वितरण का केंद्र हृदय ही है होता है। यह सारा परिवर्तन हृदय की भावनाओं की गति से होता है। आवेग में और आवेश भी इस ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। लंबे समय टिकने वाला शोक चाहे भावमय हो या वासनामय वह हृदय कमल का शोषक होता है। हृदय कमल धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ सर्वथा बंद हो जाता है, भवभूति कहते हैं। हृदय कमल शोषी दावणो दीर्घ शोक। धन्यवाद।